हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, मैं आ गया हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, ना कोई बबुआ की कॉमेडी कॉल अपलोड कर पाया हूँ, बिकॉज ऑफ थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं थी। बट नाउ आई एम ओके। कल से आपको रेगुलरली बबुआ की कॉमेडी कॉल्स एंड और भी रिएक्शन वीडियो देखने को मिलेंगी। एंड आज हम एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो का रिएक्शन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉमेडी है, बहुत ही हंसने वाली है। और उसमें एक शराबी की स्टोरी है, वो भी सुनना। और उसमें हम देखेंगे कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन था। सबसे पहले आइए सुनते हैं। हो तुम लोग पीतो पीतो मैम, आप वो वाले है नहीं मेरे पास ये वो वाली तुम मिलना शो के बाद कितनी प्यारी चीज है ना शराब, लेकिन कितना बदनाम कर रखा है। शराबी शराबी, मैं बहन चो क्रांतिकारी है। ये शराब की बोतल नहीं है, क्रांति की मशाल है। लोग कह रहे हैं शराब ने हजारों घर बर्बाद किए, मैं लाखों बचाए भी थे। और जब दिल टूटता है ना, दिल टूटता है तो शराब पी के, खास दोस्त को गले लगा के रोने रोने में जो सुकून मिलता है, मुझे ये सुकून मिला था जब मेरे दोस्त का ब्रेकअप हुआ। वो आया था मेरे पास उसे बुलाने के लिए, लेकिन मुझे पीनी थी फ्री में, तो मैंने उसे याद दिला दिया मैं तेरा तो काट के गई है। लेकिन बहुत हरामी था, मंगा नहीं रहा था, तो उसे बताना पड़ा कि उसने नया बंदा बना लिया। फिर मंगाई उसने, पी भी, लेकिन पत्थर दिल था, आंख से आंसू नहीं निकल रहे उसके। तो उसे बताना पड़ा कि उसके साथ वो घूमने गोवा गई। फिर जो फूट फूट के रोया ना, वो मुझे गले लगा के, मुझे जो सुकून मिला है, हाँ उसी सुकून की बात कर रहा था। बहुत सुकून मिलता है यार, कितना बदनाम कर रखा है शराब को ना। कितनी प्यारी चीज शराब की, जो असली कमी उसके बारे में लोग बात नहीं करते कि बहनचो महंगी बहुत है। तुम पिज्जा खाओ 500 रुपए का पिज्जा बाहर मिलेगा, घर में 50 रुपए मम्मी तैयार कर देगी। 100 रुपए की कॉफी है, घर में 10 रुपए में तैयार हो जाएगी। लेकिन शराब के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने पीस दिए थे एक बार अंगूर मिक्सी में। अंगूर की चटनी बन गई, मेरी माँ अचार की तरह खा रही उसको। करी हमारा बेटा कामयाब हो गया, घर के काम में हाथ बटा रहा है। कितनी प्यारी चीज है शराब। शराब पी के तो लोग बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं ले पाता ना, ये लेके उठते। मेरा दोस्त जब भी शराब पीता है, इसमें देवा आ जाता है। सन्नी देवल की एक मूवी थी जिसमें देवा अदालत खोल लेता, फैसले सुनाने लग जाता है। ये जब भी शराब पीता ना, अदालत खोल लेता, फैसले सुनाने लग जाता है। और इसकी अदालत में कानून अंधा नहीं है, कानून भंड है। अभी एक दिन हम बैठ के पी रहे थे और उस न्यूज में आ रहा था रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा नहीं करेगा, रशिया अटैक करेगा नहीं करेगा, उसने पी के भंड हो गया। खड़ा कर रशिया की हिम्मत कैसे होगी, छोटा भाई है यूक्रेन अपना, कर रशिया की हिम्मत कैसे। फोन मिला पुतिन को, पुतिन रूस का नंबर सेव होगा, जिसके पास फोन था वो उससे ज्यादा भंड था। पुतिन रूस का नंबर तो मिला नहीं, पुनीत जूस का नंबर था। कह रहा बात कौन करेगा, इंग्लिश में बात करनी होगी। कह रहा सब ने पी रखी है, सब इंग्लिश बोलेंगे। फोन मिलाया है, बोला मैं आई टॉक टू मिस्टर पुतिन। पुतिन उधर से कह रहा हां जी बाबू जी। कह रहा बहन चू, पुतिन तो हिंदी बोल रहा है। एक कह रहा लग रहा भाई पुतिन ने भी पी रखी है, जब हम पी के इंग्लिश बोलते हैं वो वाले पी के हिंदी बोलते होंगे। उसको कह रहा तेरी हिम्मत कैसे हो गई, धमकी दे रहा उसको। वो पूछ रहा कहां से बोल रहे हो, कह रहा देवा की अदालत से। वो कह रहा अदालत में डिलीवरी नहीं देते हम। उसको धमकी दे रहा तेरी हिम्मत कैसे होगी, उसने इसकी आवाज पहचान ली। वो कह रहा आप वो नाटे से हो ना,
कह रहा नाटो से नहीं हम तू जोक्स पे दिमाग लगेगा कह रहा नाटो से नहीं हम नाटो से अमेरिका यूरोप होगा तुम्हारे फूफा इंडिया से हैं उसने पहचान लिया कौन है ये वो कह रहा तुम ना अपने बकाया वापस करो आज से तुम्हारे मोमोज बंद कह रहा मोमोज चाइना की बात कर रहा है ये कोड में बात हो रही है उसको कह रहा तू क्या हमारे मोमोज बंद करेगा आज से हम चाइनीज माल बंद करते हैं चूतिया चाउमीन खा रहा था प्लेट फेंक के मारी है रूम में लाफिंग बुद्धा रखा था उसको पता था लाफिंग बुद्धा चाइना का है उसके पास गया बोला हट बहन चो अब स्वदेशी बुद्धा आएगा यहाँ और ओल्ड मॉन्क रम वाला बुद्धा रख दिया वहां पे कह रहा ये देता है असली पीस और फुल उसको धमकी दे रहा है उसको कह रहा है कि तेरा मोमोस एक दिन दुनिया बर्बाद करेगा ये सुन के उसकी फट गई बैठ जो मैदे से कैसे दुनिया बर्बाद हो सकती है उसको धमकी दी है कि हमारे छोटे भाई को देखा ना तो साले को जान से मार देंगे और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने फोन में स्टेटस लगा दिया रशिया यूक्रेन मैटर रिजॉल्व मैंने उसको बताया कि यार रशिया तो दोस्त है अपना कह रहा तेरी भाभी तो यूक्रेन से है मैं कब मिली उसने फेसबुक खोल के दिखाया है पिछले हफ्ते ऑनलाइन एक लड़की ने यूक्रेन की लड़की ने पोस्ट डाल रखा है प्लीज सेव अस इसने लिखा हम बचाएंगे तुझे और 1,00,000 इंडियन लंदन लाइक मार रखा है पूरी रात पी हम लोगों ने सुबह तक पी है और सुबह बाई चांस रसिया ने सच में यूक्रेन पर अटैक कर दिया मैंने दिखाया इसको देख बन जो क्या किया तूने कह रहा बहन जो इतना धमकाया भी नहीं था और न्यूज में भी आ रहा है कि पुतिन ने अटैक से पहले एशिया में किसी से की थी फोन पे बात कह रहा साले ने सबको बता दिया अब क्या छपेगा बुक्स में न्यूज में क्या छपेगा कि तीसरा वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ मैं क्यों हुआ बोला बुक्स में छपेगा कि उस रात इंडिया में किसी ने 2 पैक फालतू मार लिए थे कह रहा अभी मुझे 1 पैक और पिला दो इसमें फुल फट के बोला 1 पैग और पिला दो मैं और नहीं पिलाएंगे कह रहा 1 पिला दो प्लीज मैं और पिला दिया तू बहन जो ओबामा को कॉल कर देगा इसके फोन में नंबर भी सेव था ओ बी मामा लेकिन हमारी शराब खत्म मुझे बोला प्लीज पिला दे तो मैं शराब लेने के लिए गया बाहर और लेकिन जो हमारा वाला पुतिन था उसने कर दी पुलिस कंप्लेंट जान से मारने की धमकी दी थी उसे तो पुलिस आई उठा के लेगी तीनों को मैं आया तीनों में से कोई नहीं था इनको थाने में ले गए और नंगा कर दिया वहां शर्ट उतारी पैंट उतारी ये तो कच्चे कच्चे में था और इसने जो कच्चा पहन रखा था वो रशिया का झंडा पहन रखा था शायद भाभी ने यूक्रेन से भेजा होगा और जैसे रशिया का झंडा ना इंडिया के झंडे की तरह ही है उसमें भी 3 कलर की पट्टी है सबसे ऊपर व्हाइट कलर की पट्टी है बीच में ब्लू कलर की पट्टी है और सबसे नीचे रेड कलर की पट्टी है अब पुलिस वाला उससे ज्यादा पीके बंटता करा बहन जो तिरंगा पहन का है करा सर ये तो रशिया का है कर रशिया के तिरंगा पहन का है मारो साले के उसका रिमांड किया थाने में तो मुझे इसकी जमानत करानी पड़ेगी इसके घर जाना पड़ेगा इसका घर 1 घंटे दूर था सेम शहर में ये रूम लेके रहता था दारू पीने के लिए तो गया मैं इसके घर गया आंटी ने गेट खोला और इसका बाप अलग पीके बंड था वो मुगले आजम देख रहा था शहंशाह बने बैठा है मैं बैठ चुका इनकी अलग दृश्य चल रही है मैं उसको जाकर बोला अंकल करा सेनापति मैं बैठ चुका कौन सेनापति करा सेनापति मैं महाराज के जय हो मैं क्या आदेश है प्रभु अपनी वाइफ की तरफ इशारा कर रहा है कह रहा है इस अनारकली को दीवार में चिनवा दो मैं गुस्ता के माफ हो जापना ये अनारकली नहीं रानी माँ है ये बुंड फाड़ देगी महाराज की भी मेरी भी
क्या संदेश लेके आए हो? मैं महाराज, दूसरी सेना ने हमारे युवराज गिरफ्तार कर लिए हैं, संधि पे हस्ताक्षर करने चलना है, लेके गया हूं मैं। और उन्होंने वहां पे जेल में गैंग बना ली, बिच्छू गैंग से दोस्ती हो गई उनकी, उनके साथ बैठ के वहां शराब पी रहे हूं। और वो ना वहां देसी शराब मिलती है जेल के अंदर, मतलब ये वाली नहीं, देसी शराब पी उन्होंने, उसको अलग नशे हो गए देसी, पहली बार पी थी उसने। और पुलिस ने हमारे वाले पुतिन को बुलाया कि देख लो आगे एक बार। पुतिन आया, पुतिन निकला पांच फुट का नेपाली, अपने साथ चार बावर्ची लेके आया था, सब ब्लैक ड्रेस में थे। जैसे ही आया कह रहा बैंड जो पुतिन कैट कमांडो लेके घूम रहा है। पूरे 5 लाख रुपए दिए पुतिन को केस वापस लेने के लिए, 1 लाख पुलिस वालों को दिए हैं। और पुतिन लेके गया और उसने अपनी दुकान का फुल रिनोवेशन करा लिया। और दुकान का पहले से दुकान का नाम था पुनीत जूस कॉर्नर, अब दुकान का नाम लिखा है पुतिन जूस कॉर्नर। पीते हो शराब? पीते तुम लोग? हाँ, तुम किसे कॉल मिलाते हो? ये पुनीता का फोन मिला रहा है। तो कैसे लगी आपको ये स्टैंड अप कॉमेडी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। एंड जो ऑडियंस एंजॉय करती है वो तो आउट ऑफ लेवल। एंड मैंने पर्सनली भी ये अटेंड किया हुआ है, मैंने पर्सनली भी सुना हुआ, और पर्सनली लाइव देखने का और लाइव सुनने का मजा ही कुछ और है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। एंड नेक्स्ट टाइम आगे भी आपको ऐसे ही स्टैंड अप कॉमेडी या और भी प्रैंक कॉल्स, प्रैंक वीडियोस के रिएक्शंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बउआ की कॉमेडी कॉल्स।